मेरे उत्तराखंड में प्राय शादियां 5 दिन की हुआ करती थी। पहले दिन होता था सलाह पाटा, दूसरे दिन जनेऊ संस्कार और तीसरे दिन दूल्हा बारात लेके दुल्हन के घर जाता था और चौथे दिन तमाम संस्कारों के बाद बारात वापसी होती थी। लेकिन शादी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, पांचवें दिन फिर से दूल्हा दुनोज यानी सलाह पाटा लेके दुल्हन के घर आता था। लेकिन आज की भागदौड़ भरी और भागदौड़ भरे जिंदगी और आर्थिकी के कारण ये 5 दिन की शादी 1 दिन तक सिमट गई है, जो कि एक परंपरा बन गई है। आइए इसी परंपरा को दिखाने मैं लक्ष्मी नौटियाल ले चलती हूँ आपको अपने गांव गैरसेन में। अब ये चेंज दिख रहा है धीरे धीरे, जैसे 7 दिन की होती थी और 2 दिन की होती थी, अब लोग क्या कर रहे हैं शॉर्टकट में आ गए। जो हमारी पहले की परंपरा थी उसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और हमारी जो संस्कृति थी उसको भी भूलते जा रहे हैं और कल्चर ऐसा हो गया हमारा कि बस बल्कि बिल्कुल विदेशी वो अपना लिया हमने यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ है। हाँ, अपने लोकल रीतियाँ हैं हमारी, हमारे अपने अपने अलग अलग संस्कार होते हैं। माना हम पौड़ी में चले जाते हैं, वहाँ की लोक रीतियाँ कुछ अलग से होती हैं। टेहरी में चले जाते हैं, वहाँ पर की लोकाकृति लोक रीतियाँ अलग से होती हैं। यहाँ चमोली में हम हैं तो यहाँ पर की हमारी लोक रीतियाँ कुछ और हैं। यहीं पर हम कुमाऊँ क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ की लोक रीतियाँ अलग हैं और अपने ही अलग अलग रीतियों से लोग इस विवाह संस्कार को करते हैं। पहले हमारे यहाँ 3 दिन की शादी होती थी लेकिन अब 1 ही दिन में हो जाती है, क्योंकि लोग जल्दी के चक्कर में कि पैसा बचत के चक्कर में इसलिए 1 घंटे करते हैं शादी। हमारे संस्कारों की परंपरा है वो भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर्स के लिए उत्तराखंड गैरसैन से मैं लक्ष्मी नौटियाल।